16 सालों में सेंसर बोर्ड ने 793 फिल्मों को किया बैन। हिंदी फिल्मों पर लगी सबसे ज्यादा रोक। केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड को लेकर एक खुलासा सामने आया है, जिसमें यह पता चला है कि 16 सालों में CBFC ने 793 फिल्मों पर बैन किया है। यह खुलासा सूचना के अधिकार RTI की मांगी गई जानकारी के तहत हुआ है। शहर की एक RTI कार्यकर्ता नूतन ठाकुर के सवाल पर बताया गया कि 1 जनवरी 2000 से 31 मार्च 2016 तक सेंसर बोर्ड ने 793 फिल्मों को रिलीज होने का प्रमाण पत्र नहीं दिया। इनमें 586 भारतीय फिल्में और 207 विदेशी फिल्में थीं। 2015 से 16 के दौरान सबसे ज्यादा 153 फिल्में बैन की गईं। इसके बाद 2014 से 15 में 152 फिल्में, 2013 से 14 में 119 और 2012 से 13 में 82 फिल्में सेंसर बोर्ड से प्रमाण पत्र नहीं पा सकीं। ठाकुर ने मंगलवार को INS से कहा कि इनमें सबसे ज्यादा 231 हिंदी फिल्मों को प्रमाण पत्र नहीं दिया गया। इसके बाद 96 तमिल फिल्मों, 53 तेलुगु, 39 कन्नड़, 23 मलयाली और 17 पंजाबी फिल्मों को रिलीज करने की अनुमति नहीं मिली। सेक्स और अपराध के कारण बैन की गई कुछ फिल्में जिसे मदमक्खी रसीना, कातिल शिकारी, प्यासी चांदनी, मधुर स्वप्नम, खूनी रात, श्मशान घाट, मनचली पड़ोसन और सेक्स विज्ञान शामिल रहे। इसमें परदानिया अंग्रेजी 2005, अस्तमा सद्गम्मय तमिल 2012 और मोहल्ला 80 हिंदी 2015 शामिल हैं। मोहल्ला 80 2018 में साल रिलीज हुई। इस फिल्म में सनी देओल, साक्षी तांवर और रविवार किशन नजर आए। खबर है कि पहले ये फिल्म साल 2015 में रिलीज होने वाली थी, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट की दखल की वजह से इस पर स्टे लग गया था। इस फिल्म की कहानी कहानीकार काशीनाथ सिंह की किताब काशी का 80 पर बेस्ड है। फिल्म मोहला 80 का निर्देशन चंद्र प्रकाश द्विवेदी ने किया।